तो सब लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे लाइट चली गई है, तो हम बस बाहर निकल रहे हैं। सुबह की हो रही है 3:30 ऐसे कुछ हो रहा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी ईयरली पास प्रो सेल आई हुई है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिससे ₹527 में आपको मिलेगा पूरे 1 ईयर के टेस्ट, यानी कि टेस्ट बुक पे। सो गाइस, टेस्ट बुक इतना अच्छा ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। सबसे बड़ी चीज, जो भी आप एग्जाम देते हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे आपको मिल जाएंगे। और उससे आपको पता है 2 लाख लोग रेगुलर मतलब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, आप उनसे कंपेयर करके अपना देख सकते हो कि आपकी कितनी पढ़ाई पहुंच चुकी है, क्या आपका लेवल है और अभी आपको कितना मेहनत करना है। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पास प्रो खरीदना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आप लोग जाके फटाफट कोड यूज कर सकते हो RAS। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैंकिंग, SSC, टीचिंग, BPSC हो या UP का सुपर टेट एग्जाम हो, UP TET, CTET, हर एरिया मतलब आप कह सकते हो कि हर तरह के एग्जाम, हर जगह के एग्जाम, ये यानी कि MP TET अगर आने वाला है तो उसका भी एग्जाम आपको टेस्ट बुक ऐप पे मिल जाएगा। आप उसे ST देना अपने अकॉर्डिंग एग्जाम की, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब चलिए चलते हैं बिहार वापस से। रात में ऐसा दिख रहा है, ये अब क्यों सो रही इतनी रात भर, इतने मजे से सोई है, मच्छर काट रहा था फिर भी हम उसको देख रहे हैं कि सोई कि नहीं सोई। मच्छर काटे, मेरा सारा खून ही भीग है। फिर एक लड़की बोली कि आप लोग का ब्लड ग्रुप O+ है ना, इसलिए मच्छर काटा है। हम लोग रेडी हो चुके हैं बिहार जाने के लिए, बनारस से सुबह सुबह ही निकल लिए हैं। नानी के घर से लंका गेट तक हम लोग पैदल आए हैं, BHU लंका तक, और अब वहाँ से ऑटो करके स्टेशन जाएंगे, आधे घंटे की दूरी तब भी है। गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सासाराम के लिए। ट्रेन हम लोग का बुक है, बस देखो कितने बजे ट्रेन आती है। अभी तो लेट चल रही है, 50 मिनट लेट है, 5:10 पे थी सुबह, अब देखो क्या होता है। यही भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बिहार के बच्चों की सब तैयार कर रहे हैं, यही सब देख के हम लोग पहली बार नहीं आए थे। मैडम जी बैठे किताब भी खोल के पढ़ रही हैं। ये बनारस की लिफ्ट मुझे लग रहा था ना बहुत अंदर तक, आज पहली बार मैंने देखा ये इतनी मोटी मोटी स्प्रिंग्स पे लगी हुई है और लिफ्ट चली गई ऊपर, आ रही है। इतने करीब से देखने को मिला है मुझे लिफ्ट का एक्सपीरियंस, धड़ाम। पर यार ये स्प्रिंग को टच नहीं करी है, फिर स्प्रिंग काहे लग गई है? तुम लोग पंखा के नीचे बैठ गई, बढ़िया व्यवस्था है, कुर्सी में गद्दी उद्दी लगी है, नींद में गोल्डी। कितने का? 30? 20 का दे, 15 का लिखा हुआ 20 है, ठंडा करके दे रहे इसलिए 20 है, 15 दे के दो उधर आएगा तो 15 लाएंगे। और हम लोग की ट्रेन आ चुकी है बनारस स्टेशन से, हम लोग को जाना था रोहतास तक का, सासाराम तक का। रोहतास में तो हम लोग का एग्जाम है। DAV कॉलेज में जो भी मिलना था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे भी हमारी एक सब्सक्राइबर मिली, नहीं मतलब जूनियर का नहीं भरा था ना मैंने, प्राइमरी का डाला था केवल, देव DAV। देखा था क्या उन लोगों ने? अच्छा अच्छा, तुम बात करके देखो, अंजलि लग रही है। और आप लोगों से मिलके साथ में सेल्फी लेके इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, बहुत अलग और स्पेशल वाला मोमेंट होता है जब आप लोग आते हो हम लोग के पास में और बोलते हो कि ये तो रश्मि है, ये अंजलि है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देखती हूँ, एक बहुत ही अलग वाला अपनापन वाला फील होता है। हम लोग पहुँचने जा रहे हैं अब सेंटर आत्मापुर DAV कॉलेज के लिए। हंसराज 20 रुपए किराया लिया, वैसे 10 रुपए। अभी हम लोग गोल्डी के सेंटर पे आ गए और सामने कैमूर की पढ़ाई दिख रही है। पहाड़ी तो यहाँ से क्या बना रहे हैं? तुम पेपर देने जाओगे फिर हम उधर ही जाएंगे, तो अभी बना लेना ना, लेकिन ठंडा नहीं है तो उधर जाना, वो पसीने पसीना निकलेगा एकदम। पहाड़ भी नहीं है, प्लेटू है। ये धरती से थोड़ा ऊंचा है ना तो पहाड़ हो गया, बाकी है वो पठार टाइप का ही। थोड़ा
तो हम लोग भूखे बैठे थे, चांदनी घर से प्याज टमाटर मिर्ची लेके आई है और चाकू से काटी है गवाह के साथ गवाह गोली उठ के बना लो भीड़ सारा था। तो ये हम लोग का नाश्ता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हाथ से खाया जाएगा। और वहाँ पे बहुत अच्छा नल लगा हुआ है, अच्छा नल इसलिए क्योंकि वहाँ का पानी ठंडा है, पेड़ के नीचे है ना इसीलिए। अच्छी जगह हम लोग आके बैठे हैं, साथ में कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जिसमें से एक दो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक उसके पापा। वो इतने ध्यान से पढ़ रही कि डिस्टर्ब नहीं करेगी। और अब यहाँ पे रोल नंबर लग चुका है, गोल्डी दिख रही है अपना रोल नंबर देखते हुए। हम लोग यहाँ बैठे हैं धूप में आराम से, धूप में वो भी आराम से आ रही है। मिला रूम नंबर? रूम नंबर तुम्हारे अगल बगल किसका है? उसका रोल नंबर कैसा है देखो जरा, मेरा भी तो सेम है, मतलब हम तुम बहुत दूर हैं, बस स्कूल हमारा तुम्हारा सेम होगा। तुम्हें पीछे बैठे होते काश। हाँ देखो क्या होता है, यही नहीं रहेगा। पहचान ही है यहाँ है क्या घूमने। अच्छा आप रहता तो कहाँ पे हैं? हमने कहा था ना कि कॉलेज नहीं बताया, कॉलेज नाम कहाँ बताया, कॉलेज नहीं बताया, दिन बाद पता लगा ना कॉलेज नाम, अभी दो दिन पहले पता चला। दो तीन दिन तो चलो पता चल जाएगा क्योंकि रोहतास में तो सासाराम जरूर उतरोगी। हाँ सासाराम उतरे तो देखो यही बैठी है। और पता है वहाँ पे हम लोग दो चार दिन से ब्लॉग ही नहीं आए होंगे, उसके बाद अभी आप हम लोग चलो देखते हैं जिसे मिलना होगा मिलेंगे। इनको दिलाने लाए हैं ये, इनका पेपर नहीं है आज। अच्छा हाँ यार अब तो आप तैयारी करोगी। वीजा कैसी है? ठीक है वो कहाँ है? नानी के पास। नानी के पास पापा संभालेंगे तो ये पापा कहाँ संभाल पाएंगे, तो है पापा छोटी है ना, यही तो दिक्कत है। हम लोग का ट्रांसफर भी हो गया, अरे अब और शिफ्ट करो ये करो वो करो, देखो कहाँ जाते हैं क्या होगा। हम तो वही देख अभी कुछ दिन पहले से देखा था, पहले आपका तो चलो दोनों सिस्टर करती हैं, हम देखते रहेंगे। हम भी ऐसे ही हो अच्छा, तो पास ही हम लोग इसीलिए और ज्यादा मतलब दिख गया तो बच्चे फील होता है आस पास ही। बच्चे भी कितना बड़ा सब तो तब भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। हाँ वही तो मैं देखती हूँ आप इतनी परेशान रहती हो। अरे अब तो भी पढ़ाई तभी नहीं कह रही थी कितने दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, जब सोचो कि अब स्टार्ट करना है फिर कुछ ना कुछ काम फिक्स हो गई। इसे शादी मिल नहीं रही है लेकिन लड़के वाले बहुत मांग रहे हैं, भेज रही थी ना कि हम कर देंगे करवा देंगे इनकी। इनको जो कंटेंट नहीं मिलता तो ये बता देती है कि गोल्डी की शादी कंटेंट की तो चक्कर भी जरूर ये बोल रही है। हाँ बस वही है कि इनकी करानी है, चलो इनकी शॉपिंग करानी है। नहीं इनकी शादी करा देना तो अच्छे से थोड़ा आई नहीं है, फिर मेरी बिटिया पालेंगी। बिटिया तो वैसे भी मम्मी ही पाल रही है, इनकी मौसी और मम्मी ही पाल रही है। यही लेकर पर्स हमारी रहती बेचारी ये संभाल के, देखो सब पता है चाहिए सबको। चांदनी हमें पन्नी के जुगाड़ में खड़ी है, हम लोग लेके नहीं आए कुछ। चांदनी क्या हुआ? सो गाइस अभी 11 बज चुकी है और अभी पुलिस वाले यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करें थोड़ा कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वो लोग दौड़ रहे हैं आ रहे हैं, हम लोग बाहर से बैठ के देख रहे हैं। वो देखिए कोई आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है? डिंग 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 हाँ ये दौड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही वो लग रहे बेचारे। बैग बैग तो इधर जमा करेंगे ना, वो बैग इन्होंने जमा किया लेकिन अभी एक लड़का गेट बंद हो गया और वो आया है रो रहा है बेचारा। अब देखिए होता क्या है।
इसको अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं, बस वाले की गलती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बस वाले की गलती है या खुद की गलती है। कुछ लोग आके तो वहाँ पे अच्छे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और कुछ लोग आके लड़ाई भी कर रहे थे, बट कह नहीं सकते किसकी क्या गलती है। दया भी लग रही थी मुझे, क्योंकि एक साल नहीं पूरी जिंदगी की बात थी। तो गाइस अभी OMR पेपर वगैरह आया है और 11:29 टाइम भी हो गया है। नहीं जाने दे रहे इन लोगों को, जो लोग लिखते थे वही वही जो लड़ाई की है। नहीं, ये कोई और था, अंदर जाने दे रहे। जो लड़ाई कर रहे थे उन्हीं बाहर गए। कुछ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट कॉल उठ के वीडियो बनाए, आलस आ रहा है मुझे थोड़ा। जब तक गोल्डी पेपर दे रही तब तक यहाँ पे एक नल लगा हुआ है और ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, वो पानी भरते हैं। और इतनी तगड़ी वाली धूप है, मन कर रहा हम भी फॉर्म भर ही दिए होते। आखिर आके वहीं बैठे हुए हैं और सामने वो नदी टाइप का नाला है, वो भर गया है पानी से। और चांदनिया स्नैप बना रही है। मुझे नहीं आता स्नैपचैट यूज़ करना, तो मैं इतना नहीं करती। हो गया। और यहाँ का व्यू आप लोगों को मैं दिखाऊँ, पूरा खेत खलिहान है और सामने कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि लोग कर क्या रही हैं। हाँ अभी नेट स्लो चल रहा है, बाद में जाएगा। तुम उन लोगों की बॉटल लियो ना चांदनी, ये हमारी है। अरे हम लोग जिसकी चटाई पे बैठे थे तो हम लोगों को पानी भरना था, तो हम लोगों ने सोचा चलो उनके लिए पानी लेके चले चलते हैं। थोड़ा सा इंसानियत के नाते उन लोगों को पता नहीं था ना कि नल कहाँ लगा हुआ है। और हम लोग सुबह सुबह इधर ही कॉर्नर पर आए थे तो हम लोगों को पता था। आ जाओ, बहुत पीछे रह गई वो। नाले की बात करते, यहाँ पे थोड़ा पानी इसलिए गंदा है, वो दूर वाला पानी बड़ा साफ है। और सामने वो नल में एक, अच्छा ये तो यहीं सामने ही थे, हम लोग के साथ में ये भी आए थे पानी भरने बाबा जी। चलो फिर फटाफट पानी भर के फिर चलते हैं। और अभी पता सिर्फ 1:30 है। वहाँ पे अपना वो लगाए थे इंडस्ट्री। हाँ इंडस्ट्री लगाए थे हम लोग टाइम पास करने के लिए। चांदनी ने मूवी भी लगाई थी, पर इतना बात करने को आ रहा ना कि कोई मूवी देख ही नहीं रहा है, सब बात ही कर रहे हैं। ये बेचारा नीट एस्पिरेंट हम लोग एस्टेट एस्पिरेंट, वो नीट एस्पिरेंट, सब के सब परेशान यूपी में। तो अभी पेपर देख के बच्चे बाहर आ चुके हैं और गोल्डी दिख रही है मुझे। दिख गई बत्तीसी। देखो इनकी सहेली बटोरने के चक्कर में वो हो गया। अभी रेंट इधर आओ। तो अभी हम आ चुके हैं, अप्रैल बनाती है, देखा है आपने? देखे हैं अभी आप सर, सुबह सर्च कर रहे थे, कहीं देखे कहीं देखे तो सर के दाने। तो एक सब्सक्राइबर हमारे और मिल गए हैं। और ये भैया है जिन्होंने हम लोग को बहुत साथ दिया टाइम पास करने। कैसा हुआ पेपर? देखिए मैं टपा गई थी। नहीं वो बता रहे, बोले भैया बैग लिए खड़े हैं, बहन नहीं आई आपकी? साइंस वाइंस के एक दो क्वेश्चन रखो, जंग वंग लग जाता है तो सिंपल वाला। ये मेरी बैग, नमस्ते करो। नमस्ते। ये भी हमारे सब्सक्राइबर, हम इस बार ना वीडियो बना रहे थे सबकी, जो जो हमें मिल रहे हैं। ये तुरंत आपको पहचान गए, नहीं मिलेंगे क्या? हाँ ये ऑटो वाले भैया ही नहीं है। सासाराम आपका पता है? हाँ हमने बताया था ना यूट्यूब पे। पता है। अभी आपको कहाँ जाना है? अभी स्टेशन के पास ही रुके हैं। कहाँ? यूपी से हो? कहाँ पे? तीन फ्रेंड है उनका सेंटर यहाँ गया है। अभी वीडियो कब एडिट करेंगे पता नहीं है, अभी कल भी यही रहना फिर घर जाना है, कुछ नहीं वो है। हाँ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपने करा है? हाँ बहुत, मेरे भी खुद ही कई हुए हैं। मैडम भूखी हो गई है, प्यासी हो गई है। मैम एक्सक्यूज मी, मैम 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 इधर देख लीजिए एक बार, एक झलक। अरे मैम, तो मैम अभी बिजी है,
मैम तुमको ललचवा रही होगी, तुम तो बाहर का खाती पीती नहीं हो, अब भी बाहर का तो खाओगी नहीं। अब मुझे फील हो रहा है मैंने गोल्डी को कुछ ज़्यादा ही कह दिया, बेचारी बाहर का खाती है पर थोड़ा खाती है, कम खाती है। और अभी गोल्डी की दोस्त मिल गई हम लोग को, तो हम लोग उनके साथ जा रहे हैं घूमने। और हमें इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, शिल्पी नाम है, गोल्डी की फ्रेंड है, साथ में उसके फूफा और भैया भी थे, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से घुमाया उन्होंने, पायलट बाबा मंदिर और उसके बाद में तारा चंडी गए हम लोग, फिर हम लोग को वापस उन्होंने डेयरी छोड़ा क्योंकि डेयरी पे आज हम लोग को रुकना था। तो इतना अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी कि पायलट बाबा मंदिर इतनी सुंदर होगी, इतनी प्यारी होगी, पर इन्होंने कहा चलो दिखाते हैं। सबसे पहले घूम चुकी है एक राउंड, फिर भी हमारे लिए चल रही थी, रास्ते में ही पड़ता है, तो हम लोगों ने कहा चलो फिर ठीक है साथ में ही चलते हैं पायलट बाबा मंदिर। और ये रहे शंकर जी के मंदिर, इसी मंदिर का नाम है पायलट बाबा मंदिर क्योंकि उन्होंने जिन्होंने बनवाया है वो विदेशी थे कोई, और उनका नाम शायद पायलट था, बाकी मुझे अच्छे से नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पायलट बाबा की स्टोरी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गोल्डी की सहेली मिल गई थी और हम लोग उनके साथ अब आए, तो वापस जाते हुए घूमते हुए जा रहे हैं। तो पहले चलते हैं पायलट बाबा मंदिर, जो कि सासाराम से, रोहतास से, सॉरी जो भी होंगे उनको पता होगा पायलट बाबा मंदिर के बारे में। किसके पास है, निकाल लो, खरीदना हो तो ले लो, बैगवा में होगा ले लो, इतना प्यारा है लेकिन। हेलो, ये ही है गोल्डी की दोस्त सालनी, आगे शिल्पी, अच्छा सालनी एक और थी। यहाँ पे कौन कौन है, सारे नेता, क्रांतिकारी। अच्छा, यहाँ पे शूज वगैरह भी जमा होता है, मतलब थोड़ा अच्छा वाला है यहाँ का, काफी सुंदर है। अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर और मुझे लगता है इतना बड़ा मंदिर है, वाओ वाओ यार, देखो ना, वाकई बहुत अच्छा मंदिर है। चाइनीज बाबा कौन से, हाँ हाँ बौद्ध का वो भी, एक्चुअली मंदिर कैमरे में तो ऊपर का दिख ही नहीं रहा था, यहाँ दूर से पूरी दिख रही है मंदिर, अब ठीक है। हाँ हाँ बहुत ही प्यारा है, मतलब जितना भी आपको ये कैमरे में हाथी वगैरह दिख रही है उससे ज्यादा ही खूबसूरत है सारी चीजें यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। श्री सोमनाथ मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ लो कि सोमनाथ भगवान हम लोग को बुला लिए कि आओ बेटा दर्शन करो। तो फिर ये चिद्दी पिद्दी लड़कियाँ जो कि घंटी नहीं छू पा रही है, अभी दान मांगेंगे, मंदिर में मांग लिए थे। खड़े होके बोल दो यहाँ बस बोलो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो पायलट बाबा नाम से हम लोग जाते, पर मंदिर वाकई बहुत बहुत प्यारी मंदिर है। मतलब बिहार को ना हम लोगों ने क्या समझा था और क्या है ये चीज, तो भैया कुछ भी कहो बिहार बहुत अच्छा है यूपी से, मुझे नहीं कहना चाहिए तो यूपी की बुराई यूपी वाले हैं, बट कहना पड़ गया। वो देखो मोर भी बैठा हुआ है, जाओ मोर पकड़, हाँ उसमें उचड़ मत जाना, पैसा निकालो पैसा, इधर गर्म बहुत है, कहाँ आ रही हो अभी, है पूरा पे श्रद्धालुओं के आराम करने के लिए, कितना गजब का ठंडा लग रहा है। खरगोश कहाँ गए, खरगोश है और वो है, इसके अंदर में नहीं जा सकते, जा सकती हो, नहीं जा सकते, खरगोश बत्तख मुर्गा सब है। वाह यार शंकर जी की इतनी ऊंची, ये पता है गुरु वशिष्ठ होंगे इनका नाम, अच्छा देखो वो कश्यप गुरु वो अत्री, ब्लॉग बन रहा है फोटो नहीं आ पाएगी सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे कैमरा मैन है तो चांदनी वर्मा का यूज किया जाए। और सामने महात्मा बुद्ध की फोटो, साथ में मौसम इतना हसीन हो गया कि देखते ही रह जाओ। बाबू वीर कुंवर सिंह आप लोगों को दिख रहा होगा तो मुझे बताना कहाँ पे, ये देखिए बहुत ही अच्छी मंदिर, मतलब क्या चीज, बहुत गुरु है, तो राम भगवान के गुरु है, तो भगवान जी सब गुरु गुरु हैं, थोड़ा सा भी आशीर्वाद देंगे तो हम गोल्डी फोटो खींचो गोल्डी। ये हमें लग रहा है पूरा गौतम बुद्ध जी का वो दिखाया गया है, सीढ़ी हाँ अब तक बिहार जानवरों के
हम लोगों ने बिहार में जितना भी घूमा अब तक सबसे अच्छी मंदिर यही लगी, वो भी शिल्पी घुमा दी, वरना हम लोग को पता ही ना चल पाता। अब वहाँ पूरा घूमे नहीं है इतना, हाँ बहुत कुछ है वहाँ। चांदनी अपने बालों में क्लेश लगा चुकी है और अब बाहर जाने के लिए उत्सुक है। अब थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया यार, चलो चलते हैं तारा चंडी, देर जाएगी ना। चलो इतने ही तो है, घूम लिए। हाँ घूम तो लिया, मौसम अच्छा हो गया है। ये सारा मतलब ऐसा बनाया गया है दीवार में पेंटिंग, जो कि ये पूरा उभरा उभरा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है, मीना करी। सो इसको देखने के बाद सबने सिर्फ एक ही बात कही और वो है वाओ। अभी इतना बनने के बाद यहाँ पे भी बन ही रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह का भवन। अभी चल रहे हैं हम लोग गौतम बुद्ध जी के पास। नहीं नहीं बाजी, तो आप लोग देख सकते हो वाओ। और शायद ही कोई ऐसा हो यहाँ पे जिसकी मूर्ति ना हो, सभी की मूर्ति और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, स्पेशली महात्मा बुद्ध जी के जन्म से लेकर के परिनिर्वाण तक का पूरा पूरा लगा हुआ है। यहाँ पे बारिश हो रही थी तो हम लोगों को यहीं पे रुकना पड़ा और तारा चंडी अभी हम लोग नहीं गए। वो एक क्या है, क्या है बोल रही, क्या है पानी पियो तुम, रिकॉर्डिंग चल रही। तो वो एक शक्ति पीठ है और हम चेक करते हैं कि गोल्डी को याद है या नहीं। और आपको मैं बता दूं, गोल्डी का यहाँ मन है कि बाहर जाके बारिश में भीगे, और हम इस टाइम पे हम घर पे होते तो बारिश में भीगे भी होते, लेकिन और हम लोगों ने रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे, तुरंत जाके हम लोग को फॉलो करिएगा हम लोग से बात करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। उधर का कोई रास्ता नहीं, ये मुझे अच्छी लग रही है। एक तरफ दो हाथियां हैं, एक तरफ बेचारे अकेले को खड़ा कर दिया। कितने सारे सूंड हैं, वही तो सबसे प्यारा मुझे यही लगा, दोनों बड़ी बड़ी सी हैं। उनकी होंगी, इंद्र भगवान की। लो फोन रख। हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं तारा। इसका असली नाम देखो सहस्राम है, कहते कहते इसको सासाराम बना दिया। हाँ सहस्राम इसका नाम है और कहते कहते सासाराम बना दिया। महादेव परिवार भी है सामने, ये है पायलट बाबा। अच्छा पायलट बाबा, जूम कर देते जिनकी वजह से इतनी प्यारी मंदिर बनी है। ये रे पायलट बाबा ऊपर देखो, वो बैठे हैं विष्णु जी। हाँ यार, और उस साइड देखो शंकर जी भी बैठे हैं, और इस साइड शंकर जी का बड़ा सा है यार, गजब का मूर्ति है। बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे इस वीडियो का। वो देखो नंदी दिख रही है, ये वाला सीन बैल। और यहाँ पे हम लोगों को रोज का रोज खाना शिल्पी खिलाती है, और इसी कार में बैठ के हम लोग जब भी जाते हैं घूमने। तो दो बार हुआ है, एक बार 19 तारीख को, एक बार 20 तारीख को, है ना। दोनों दिन पेपर था ना उस टाइम पे, दोनों टाइम पे शिल्पी ने हम लोग को खाना खिलाया था और बहुत ही टेस्टी खाना बना था शिल्पी की बुआ ने बनाया था। गोल्डी को तो अचार बहुत पसंद आया, बिना अचार के वो खा ही ना पाए। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कैमूर की पहाड़ियों के पास में, लगाए हैं तारा चंडी मंदिर, जो यहाँ पे शक्ति पीठ है। यहाँ पे बोली यहाँ से शॉपिंग करने का सामान ले सकते हम लोग ना, कुछ क्या ही लिया कर। हमारी एक और ससुर में आप भी मंदिर मन्नत मांगी, मन्नत बस वही वही सबका चल रहा है। भगवान को सब पता है क्या चाहिए, बस वही देती रहे। आपसे मुलाकात आते हैं तो भाई हम क्या पहचान रहे हैं आप लोग भी, ये भी विशालिक जानते हैं। हाँ हम क्या पहचान रहे हैं आप लोगों को, पहचान रहे हैं। और मुझे ये सबसे अच्छा लगा यहाँ पर, माचिस किसी से ले लो, कि नारियल फोड़ने का एक अलग से जगह था और यहाँ पर दिया जलाने का एक अलग से जगह है। आ जाओ, तुम इस पे रील्स बना सकती हो गोल्डी, तुम्हारा मुहिम चल रहा है ना अभी। मेरी मुहिम कहाँ पे काम, मतलब ये वाकई बहुत सुंदर, अगर टाइम होता तो हम लोग पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। यहाँ पे ना पहाड़ों पे ऑटो गंदगी फेंकते, कितना अच्छा लग रहा है यार। ये नीचे से तो हमने बराबर पे आए थे, पर ये ऊपर आते आते ऊंचा हो गया। आओ रील्स वाला बस हम लोगों ने आज पहली बार देखा है, ऊपर बैठे अभी और बुला रहे कि आइए आइए आओ भर लो भूसा जैसा। ये नहीं कि
तो गाइस अभी हम लोग आए सब्जी मंडी और खाना पीना खा पी के तभी जाएंगे रूम पे, ताकि भाई रूम बहुत दिन बाद मुझे दिखाई दिया, जो कैमरा ऑन करो तो जमाई आती। हाँ पायल पंचाल को भी है वो बतासे वाला है कुछ, रील्स देखा था पायल पंचाल के, उनको भी यही जैसे कैमरा उनके, इसलिए कि डेहरी टाउन है कैसे हूँ बेचेंगे तो ले खरीद के। हमको चाहे तुमका कुछ ज्ञान दे थी तुम इनका देख रही तो ले लेते हैं ज्ञान। अभी हम लोग आ गए राखी के उस पे, और राखी यहाँ पे मुझे लग रहा है थोक की मिलती है, सुंदर तो लग रही है, अच्छी तो अच्छी है। कैसे है पूरा डिब्बा? मेरे पास खाली राखी है, कुछ रेंज बताइए उस टाइप का रेंज आपको दिखा देंगे, आप एक्चुअली बताइए चाहिए कैसे कितना। ये पूरा पैकेट कितने का होगा डिब्बा? ये 180 रुपये दर्जन का है, 15 रुपये का एक पीस पड़ा, 24 पीस का बॉक्स है। ऐसे आपको सस्ता भी मिल जाएगा और महंगा भी मिल जाएगा बहुत। और यहाँ पर खटखट खटखट आवाज़ आ रही है, इसलिए गोलू से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको एडिट कर दे, और बस अब इंतजार ही कर रही है। रो क्यों रही है चांदी? हम तो आप क्यों रो रही गोलू? अब रो रहे हैं, बहुत दुख हो गया है। क्या बता रही, मैं बाल क्यों कट गए? आदिवासी हर्बल ऑयल नहीं मिला। गोलू तुम तो एकदम से तो रात में अभी आई है कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे है चिप्स और कुरकुरे भी था, तो हमारे भर दो, पी लो चाहे गला खराब हो जाए, पूरा भर है, रुक जाओ झाक सही हो जाए तब भर। सो अभी हम लोग ऐसी लटके, मम्मी मम्मी सोच रही हो क्या रहा है? तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, सुबह का टाइम है, सो के उठे थे, और अभी मैंने जूनियर के पेपर गोल्डी पैर हटा, बड़े बहन के पास पैर नहीं रखते तो जूनियर का पेपर दे रहे थे उस टाइम की लड़की है, पहले आप इधर दिखाइए, इधर सृजा, अच्छा सो रही है, उस टाइम की वीडियो मैंने अपलोड कर दी। अभी प्राइमरी का पेपर जब हम लोग देने जाएंगे तब की वीडियो मुझे अपलोड करनी है, तो बने रहिएगा। अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है सेम बात, इसीलिए मैंने थोड़ा करके बनाया, वो ब्लॉग कल आपको टाइम पे मिल जाएगा 9 बजे। तो अभी फिलहाल मेरे पास यही वाले ब्लॉग है, तो मैं अपलोड करती जा रही हूँ। और सावन में गोल्डी ने रेड हरी कॉम्बिनेशन लगाया था ज़्यादा सा, बाकी सारी चूड़ियाँ, तो सृजा के बर्थडे पे भी आप लोगों को बने रहना है, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और गोल्डी अगर चाय ना पिए तो उनका सर दर्द होता है, पता नहीं कैसी लड़की, हम तो कभी जिंदगी में चाय नहीं पिए हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मत सोचेगा कि ये गोल्डी का चैनल है, ये ग्लोबल रश्मि का चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों के या इनके लॉन्ग वीडियोस आते हैं, और जो एनएसटेट एस्पिरेंट है वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस आते हैं, और वो मेरे होते हैं, तो ये दो अलग। और लोग इतने कंफ्यूज हुआ मुझे देख के, अरे आपके दो चैनल? हमने कहा नहीं, एक ही चैनल है मेरा ग्लोबल रश्मि का, इसीलिए तो मेरे पता है व्यूज ज्यादा है, 5 करोड़ के आसपास है, पर सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर 1 करोड़ में 1 लाख हो जाने चाहिए थे, और 1 लाख इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि लोगों को पता ही है कि एक चैनल सब्सक्राइब करा तो दूसरा रहने दे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। और हम पेपर देने नहीं, दिलाने गए थे। ओके बाय।